गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। बड़ी अपडेट राजस्थान से, राजस्थान मेडिकल डिपार्टमेंट और राजस्थान नर्सिंग से, राजस्थान CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से। बड़ी खबर और बड़ी चीज़ ये है कि अशोक गहलोत ने यहाँ पर 619 जो है नवीन पदों का जो है सृजन कर दिया है। छः चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टाफ नर्स और अन्य जो पद होते हैं वार्ड बॉय के। और इसके अलावा और जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में कि भरत बेनीवाल जी का एक ट्वीट आया है और बड़ी खबर निकल के आ रही है राजस्थान CHO की तरफ से। अभी आप सभी को पता ही होगा, भरत बेनीवाल जी के नेतृत्व में युवा सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, साइकिल यात्रा और उपेन्द्र यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर दांडी यात्रा लगातार चल रही है बेरोजगारों की मांगों को पूरा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं लेके अभी आपको हम अशोक गहलोत जी के ट्वीट की तरफ। और इसमें देख सकते हो आप इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज। जी हाँ दोस्तों, इस पैकेज के तहत यहाँ पर 619 नवीन पदों का सृजन किया गया है अशोक गहलोत जी की तरफ में, 6 चिकित्सा महाविद्यालयों में, अलग अलग 6 जिलों में। अब आपका एक क्वेश्चन मेरे पास और पड़ा हुआ है, काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन ये है और उसमें से एक सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन ये है कि सर इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाओ और उसको अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब करो, समझाओ। तो शाम तक इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज के ऊपर एक वीडियो आ जाएगी। फिलहाल अभी न्यूज़ देख लेते हैं अपन। इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज ECRP के द्वितीय चरण के अंतर्गत राज्य के, यानी अपने राजस्थान राज्य के 6 चिकित्सा महाविद्यालयों में, अस्पतालों में स्वीकृत 390 ICU बेड, यानी 390 ICU बेड को स्वीकृत किया गया था अशोक गहलोत जी की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से। उसके संचालन के लिए नर्सिंग स्टाफ और वार्ड अटेंडेंट के 600 नवीन पदों को सृजन की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है 690 जो ICU बेड के लिए आपके 600 नवीन पद आएंगे, इसकी भर्तियां आपकी आने वाली है। अब इसमें देखिए आगे बात करेंगे तो इसमें को मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगा। इन नवीन पदों में नर्स ग्रेड प्रथम के 17 पद, यानी जो आपके सीनियर नर्सिंग स्टाफ रहता है उसके आपके 17 पद रहेंगे, 17 पद। इसके अलावा नर्सिंग ग्रेड द्वितीय के 453 पद, जो कि काफी ज्यादा मायने रखते हैं, 453 पद, ओके। और वार्ड अटेंडेंट के 149 पद शामिल रहेंगे। अब आप बोलोंगे सर ये तो आप वापस ठेके पर लेंगे, सुविधा पर लेंगे, तो भैया मैं जानकारी के लिए बता दूं, अभी राजस्थान सिविल पदों पर जो संविदा भर्ती नियम आए थे उसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स चेंज हो गए हैं, उसके ऊपर हमने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है। यदि आपको मैं शॉर्ट में समझाऊं तो इस नियम के अंतर्गत अब आपकी जो सैलरी रहेगी संविदा पर यदि सरकार लेती है तो आपकी सैलरी 7,900 से ना रहकर आपकी लगभग 22,000-23,000 सैलरी रहेगी, और एक पर्टिकुलर निश्चित समय के लिए आपको ले जाएगा। पहले आपको जैसे ठेके पर लिया जाता था, स्टाफ नर्स को UTP पर लिया जाता था, तो उनको क्या होता था कि कभी भी हटा देते थे। जैसे आपको लिया, आज आपको ज्वाइनिंग दे दी, अब उसके बाद आपको 5 महीने बाद हटा दिया, 6 महीने बाद हटा दिया, 12 महीने बाद हटा दिया। अब ऐसा नहीं है, अब इस नियम के अंतर्गत एक चीज़ और जुड़ी है कि आपको एक पर्टिकुलर समय के लिए, जैसे वो फिक्स बता देंगे आपको कि सर आपको 2 साल के लिए ले रहे हैं, आपको 3 साल के लिए ले रहा है, उसके पहले आपको किसी भी हालत में हटाया नहीं जाएगा। तो ये है नियम का एक तरह से, मैंने आपको इसको शॉर्टकट में समझाया है। देखिएगा अब आगे, नर्स ग्रेड द्वितीय के 453 पद और 149 पद शामिल है। नव सर्जित पदों के लिए राजस्थान सिविल पदों संविदा भर्ती नियम 2022 के प्रावधानों के अनुसार ही राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राजमेज द्वारा भर्ती की जाएगी। किसके द्वारा भर्ती की जाएगी? राजमेज के द्वारा। यानी काफ़ी जल्दी ही ये संविदा नियम के अनुपात में, यानी संविदा नियम के आधार पर यह भर्ती निकाल दी जाएगी राजमेस के द्वारा। राजमेस जयपुर की वापस कंपनी है, मैं बता दूं आपको, एजेंसी है। ये नवीन पद SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, जनाना अस्पताल जयपुर, महिला चिकित्सालय जयपुर, रविन्द्रनाथ टैगोर चिकित्सा महाविद्यालय उदयपुर, सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर और HDM अस्पताल जोधपुर में सृजित किए जाएंगे। तो ये जो 6 हॉस्पिटल बताए हैं, 6 महाविद्यालय बताए हैं, इनमें ही ये पद सृजित होंगे और यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। अब दूसरे राज्य के, सॉरी अपने राज्य के दूसरे जिले के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, तो पहले विज्ञप्ति आने दो, जैसे विज्ञप्ति आएगी हम आपको हमारे इसी चैनल पे अपडेट दे देंगे। दोस्तों अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए, अगर कोई भर्ती भी आती है तो मैंने आपको बताया है, हमने आपको कई बार बताया है कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन करें, दोनों के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम पर जाना सर्च कर लेना सलीश नर्सिंग एकेडमी, ईजिली आपको मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, एकदम फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसका, ओके। तो यहाँ से आपको जो है सभी नोटिफिकेशन मिलेंगे। राजस्थान को स्पेशल हम एक तरह से कवर करते हैं और इसमें देखिएगा ECRP द्वितीय के अंतर्गत राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय में नवीन वार्डों के निर्माण के साथ साथ वार्डों को यहाँ पर कर्मोन्नत भी किया जा रहा है। अब चलते हैं CHO की तरफ, जो भरत बेनीवाल जी का ट्वीट आया है, आप सभी को जानकारी के लिए बता दूँ, अभी साइकिल यात्रा चल रही है और काफ़ी ज़्यादा बेरोजगार जो है एक तरह से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं अलग अलग युवा नेताओं के नेतृत्व में। कुछ देर पूर्व अब दिल्ली निवान से भरत बेनीवाल जी का ट्वीट आया है, CHO की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है। अभी कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे, कुछ वीडियो भी दिखाएंगे हम आपको। अधिकारियों ने NHM राजस्थान सरकार में बात की है इंसेंटिव के लिए, और इसमें यदि हम नीचे बात करें तो CHO भर्ती करवाने के लिए विभाग से पहले एजेंसी नहीं मिल रही थी, लेकिन अभी MD साहब ने बताया है विज्ञप्ति जारी करने का कार्य यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। हालांकि ये बात भरत बेनीवाल जी, उपेन्द्र यादव जी और काफ़ी अन्य नेता अधिकारी काफ़ी लंबे समय से यही बोल रहे हैं कि पूरा कर लिया है कार्य, पूरा कर लिया है कार्य, लेकिन दोस्तों इन्होंने
जो अभी जानकारी बताइए उसको हम आपको बता रहे हैं। जल्दी ही संबंधित एजेंसी विज्ञप्ति यहाँ पे जारी कर दी जाएगी और राजस्थान NHM को फरवरी तक रिक्रूटमेंट कंप्लीट करने के यहाँ पे निर्देशित दिए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको इस साल फरवरी में ही बता दिया था कि इस साल किसी भी हालात में विज्ञप्ति नहीं आने वाली, क्योंकि जो शेड्यूल जारी किया गया था सभी एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम कैलेंडर का, हमने उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी थी और हमने बताया था कि अभी किसी भी कैसे भी कंडीशन में टाइम नहीं है। इस साल काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहने वाला है। 2022 में काफ़ी सारे एग्जाम्स है, रीट मान लीजिए, शिक्षक ग्रेड सेकंड मान लीजिए, कनिष्ठ लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर और भी जो अन्य भर्तियाँ हैं, काफ़ी सारी भर्तियाँ इस साल होने वाली है। तो अगले साल तक ये भर्ती जाने वाली है CHU की। लेकिन नहीं, बड़े दिन वाली उपनी यादव जी के बीच एक तरह से मान लीजिए कंप्यूटर चलता है ट्वीट का और अन्य चीज़ों का, इस शायद हो सके इस वजह से वो बयान जारी कर रहे हो अपने। हालांकि मैंने आपको जो बताई थी वही बात साबित हो रही है। अब देख लीजिए, आपके सामने बड़े दिन वाली ने बोल दिया है फरवरी तक जो है राजस्थान NHM को रिक्रूटमेंट कंप्लीट करने के यहाँ पर निर्देश दे दिए हैं। यानी अब मान के चलिए अगले साल तक आपकी भर्ती आने की पूरी उम्मीद है और फरवरी माह तक तो मैं खुद कह रहा हूँ 100% आपकी जो है राजस्थान CHU की भर्ती आने लगभग आ जाएगी। और देख सकते हैं यहाँ पे भरत धनीवाल जी अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है, युवा सत्याग्रह आंदोलन साइकिल यात्रा दिल्ली पहुँच चुकी है और इन्होंने AICC महासचिव तारिक अनवर जी से इन्होंने मुलाकात भी की अपने अधिकारों के लिए। इन्होंने बताया क्या क्या इनकी मांगे इसके बारे में इन्होंने बताई। अब इन्होंने जो एक पोस्टर लगा रखा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों आपसे। इसमें देख सकते हो आप ये इनकी क्या क्या मांगे हैं। अब इनकी जो मांगे हैं इन्होंने बताया है, ये सबसे हेडलाइन में तो देखिए आप, CHO को नियमित करें, यानी इनकी एक मुख्य मांग ये है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक जो स्वास्थ्य अधिकारी है राजस्थान में, उनको नियमित कर दीजिए, इनकी ये मांग है। विज्ञप्ति जारी करो अभियान भी इन्होंने स्पेशली चलाया है, ओके। और विसंगति संशोधन अभियान भी इन्होंने चलाया है। विसंगति संशोधन अभियान के तहत यदि आप पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो तो हम बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसमें लिखा गया है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी 3500 गठित भर्ती को जारी करो और मेडिकल ऑफिसर भर्ती 840 पदों को जारी करो, सहायक रेडियोग्राफर व लैब टेक्नीशियन भर्ती, महिला स्वास्थ्यकर्ता ANM भर्ती और नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट से लिखित परीक्षा से नियमित विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए इनकी मांग स्पेशल ये यात्रा कर रहे हैं। युवा सत्याग्रह आंदोलन इनका चल रहा है साइकिल यात्रा जयपुर से दिल्ली की ओर 271 किलोमीटर। तो ये जानकारी थी भरत धनीवाल जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे जाते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकेशन के। तो काफ़ी सारे इनके मांगे हैं, आप देख सकते हो पोस्टर में। पोस्टर को हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिया है, सभी जानकारी हमने सेंड कर दी है। वीडियो कैसी लगी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी आपके कमेंट है विचार है आप लग सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हमने आपको जानकारी दी बड़े दिन वाले ने क्या कुछ कहा। फरवरी तक, मार्च तक ही आपके जो है एक तरह से भर्ती आने की पूरी उम्मीद है। इसके पहले इस साल तो आपकी भर्ती नहीं आने वाली 2 महीनों के अंदर, ठीक है। अशोक गहलोत जी का मैंने आपको ट्वीट बता ही दिया क्या इन्होंने कहा, क्या कुछ नहीं कहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।